कृष्ण अवतार को पूर्ण अवतार माना गया है या परमात्मा का पूर्ण अवतार। जिस चेतना को हम कृष्ण कहते हैं, अगर हम उसका स्पर्श चाहते हैं तो हमें लीला चाहिए। लीला मतलब बस किसी के साथ नाचना नहीं होता। आप मृत्यु के साथ नाचने के लिए इच्छुक हैं, आप जीवन के साथ नाचने के लिए इच्छुक हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हुए हैं जो कभी भी अपने आप को उतनी जटिल परिस्थितियों में पाते हैं जितनी का सामना कृष्ण ने किया था। एक इंसान के जीवन काल में इतने प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरना जितनी से होकर वो गुजरे, ऐसा अधिकांश लोगों के साथ नहीं होता है। और इन सभी परिस्थितियों में जिनका उन्होंने सामना किया, जिस स्पष्ट दूरदर्शिता का उन्होंने परिचय दिया और एकदम सटीक समझ पाने की उनकी योग्यता कि क्या सच है और क्या नहीं, वो स्पष्टता जो वो अपने आसपास के लोगों के लिए लेकर आए, लोग उन्हें ईश्वर की तरह अनुभव करने लगे, तो ऐसा कहा जाने लगा कि वो अवतार हैं और एक पूर्ण अवतार हैं। अगर आप में से वो लोग जो इससे परिचित नहीं हैं, नौ अवतारों की बात की जाती है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि जो मैं बताने जा रहा हूं ये चार्ल्स डार्विन के आने से बहुत पहले की बात है। तो पहला अवतार मत्स्य अवतार था, यानी ईश्वर एक मछली के रूप में प्रकट हुए। और आपको पता है, चार्ल्स डार्विन इस बात को सिद्ध करने में लगे रहे कि धरती पर जीवन का पहला रूप पानी का जीवन था, मछली। और अगला अवतार है कूर्म अवतार, मतलब एक कछुआ। ये दोनों जगह रह सकता है, आधा जमीन पर आधा पानी में। चार्ल्स डार्विन ने यह भी कहा था। तीसरा अवतार वराह अवतार है, जो कि एक सुअर के रूप में है, एक स्थूल स्तनपाई। और चौथा अवतार नरसिंह अवतार है, जो कि आधा पुरुष और आधा पशु के रूप में है। अगला अवतार है वामन अवतार, एक बौना, मनुष्य रूप में पर एक बौना। अगले हैं परशुराम, एक पूर्ण विकसित पुरुष पर एक बहुत ही उग्र आदमी, एक महान योद्धा। हम उनसे जल्द ही यहां भी मिलेंगे। कृष्ण उनसे मिलते हैं तो अब भी जीवित हैं। तो परशुराम एक युद्ध करने वाले आदमी हैं। यहां तक कि उन्होंने अपनी ही मां का सिर काट डाला था। वो बहुत ही उग्र आदमी हैं। अगले अवतार हैं राम अवतार, बहुत ही शांत पर एक तरह से बहुत ही एक आयामी पुरुष। अगले हैं कृष्ण अवतार, एक बहुत ही बहुआयामी मनुष्य। तो कृष्ण अवतार को पूर्ण अवतार या परमात्मा का पूर्ण अवतार माना जाता है, न कि उनका सिर्फ एक पहलू। तो वो जो थे उस बहुआयामी प्रकृति के सम्मान में, और हालांकि उन्होंने खुद कभी ये नहीं कहा, पर उनके ना कहने के बावजूद उनके आसपास के लोगों ने अपने आप उन्हें परमात्मा की तरह पहचाना। लोगों के द्वारा उन्हें इस तरह पहचाने जाने से एक पूरी की पूरी संस्कृति विकसित हुई इस पहचान के इर्द गिर्द कि कृष्ण परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं।
जब हम कृष्ण कहते हैं तो वो जो है उसका सार ये है कि वो एक अदम्य बालक हैं, भयंकर रूप से शरारती हैं, एक मन मोह लेने वाले बांसुरी वादक हैं, एक शानदार नर्तक हैं, एक सम्मोहक प्रेमी हैं, सचमुच एक पराक्रमी योद्धा हैं, अपने दुश्मनों को निर्दयता से हराने वाले हैं, एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने हर घर में एक दिल तोड़ा था, एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और राजनिर्माता हैं, एक संपूर्ण भद्र पुरुष हैं, उच्चतम दर्जे के योगी हैं और सबसे रंगीन अवतार हैं। कृष्ण को अलग अलग लोगों द्वारा कई अलग अलग प्रकार से देखा, जाना, समझा और अनुभव किया गया है। दुर्योधन की नजरों में, आप में से वो लोग जो इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, मैं बताता हूं, क्योंकि अगर आप कहानी की सारी रूपरेखा को और जिन परिस्थितियों में वो रहा उसे नहीं समझेंगे तो दुर्योधन के कई पहलू मिस हो जाएंगे। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए दुर्योधन एक ऐसा आदमी इसलिए है क्योंकि जिन विशेष परिस्थितियों में वो रहा उसमें असुरक्षा, गुस्सा, जलन, लालच का भाव है और उसे हमेशा लगा कि उसके साथ गलत किया गया है और उसके इस लालच और गुस्से से उपजे कर्मों की वजह से वो अपने संपूर्ण कुल के नाश का कारण बना। दुर्योधन के शब्दों में, अगर कोई कभी एक मुस्कुराता हुआ दुष्ट हुआ है तो वो ये ही है। ये खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, प्यार कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, बूढ़ी औरतों के साथ गप्पे मार सकता है, छोटे बच्चों के साथ खेल सकता है। कौन कहता है कि ये भगवान है? ये दुर्योधन की समझ है। शकुनी, जो धोखेबाजी और धूर्तता का एक जीता जागता मूर्त रूप है, शकुनी कहता है, माना कि वो एक भगवान है तो क्या हुआ? एक भगवान क्या कर सकता है? वो सिर्फ अपने उन भक्तों को प्रसन्न करता है जो उसे प्रसन्न करते हैं। बने रहने दो उसे भगवान, मैं उसे पसंद नहीं करता। और जब आपको कोई पसंद नहीं आता तो उसकी तारीफ करनी पड़ती है। ये चालबाजी है। राधे। उनके बचपन की प्रेमिका, दूध दुहने वाली, गांव की एक साधारण सी लड़की, पर ऐसा अटल प्रेम और भक्ति कि वो इतनी बड़ी बन गईं कि आज आप राधे के बिना कृष्ण की बात नहीं कर सकते। हम कृष्ण राधे नहीं कहते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। वो ऐसी बन गईं, गांव की एक साधारण सी लड़की से वो कृष्ण के बराबर या उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गईं। वो कहती हैं, कृष्ण मेरे साथ हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं, चाहे वो जहां भी हों, चाहे वो जिसके भी साथ हों, वो तब भी मेरे साथ हैं। ये उनकी समझ है। वैंतेय, एक नौजवान
जो गरुड़ों के प्रमुख का सबसे बड़ा बेटा था, जो गोमंतक पर्वतों पर रहता था। एक प्रखर नौजवान था, पर किसी बीमारी की वजह से वो पूरी तरह से अपाहिज हो गया था। ये अपाहिज नौजवान जब कृष्ण से मिला, कृष्ण ने उन्हें फिर से चला दिया। तो वैंतेय ने कहा, वो ईश्वर हैं, वो ईश्वर हैं, वो ईश्वर हैं। अक्रूर कृष्ण के एक मामा, एक बुद्धिमान और पुण्यात्मा, उन्होंने कृष्ण के लिए अपने बोध को इस तरह व्यक्त किया है। कृष्ण को जब मैं उन्हें देखता हूं, यह अनोखा छोटा सा बच्चा, तो मुझे सूर्य, चंद्रमा और सातों तारे उसकी परिक्रमा करते नजर आते हैं। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यह शाश्वत वाणी हो। वही उम्मीद है। अगर इस दुनिया में कोई उम्मीद है तो वो ही वो उम्मीद है। शिखंडी एक प्रताड़ित इंसान, क्योंकि बचपन से ही उसके अंदर एक तरह की स्थिति रही, ये पूरी तरह से प्रताड़ित आत्मा है। तो शिखंडी ने कहा, कृष्ण ने मुझे कभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई, पर जब वो होते हैं तो उम्मीद की मंद हवा हर किसी को स्पर्श करती है। मैं इस तरह बोलता जा सकता हूं। अलग अलग लोगों ने उनके अलग अलग पहलुओं को देखा कि वो कौन है। किसी के लिए वो ईश्वर हैं, किसी के लिए वो धूर्त हैं, किसी के लिए वो एक प्रेमी हैं, किसी के लिए एक योद्धा हैं, वो बहुत कुछ हैं। अगर हम उस तत्व का स्वाद लेना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं जिसे हम कृष्ण कहते हैं, वो चेतना जिसे हम कृष्ण कहते हैं, अगर हम उसके स्पर्श में आना चाहते हैं, तो हमें लीला चाहिए। Here we are for the लीला। लीला means it is the path of the playful. This is not for the serious times, are you? यहां हम लोग लीला के लिए हैं। लीला मतलब ये खेल भाव का मार्ग है, ये गंभीर किस्म के लोगों के लिए नहीं है। आप हैं? क्योंकि जब मैं खेल की भावना कहता हूं, तो हम यहां सिर्फ खेलने के लिए नहीं हैं, हम यहां जीवन के सबसे गहन और सबसे गंभीर पहलू की खोज के लिए हैं। लेकिन खेल खेल में, इसे खेल खेल में करने के लिए, नहीं तो कृष्ण यहां नहीं होंगे। भला क्यों जीवन के सबसे गहन आयाम लोग चूक जाते हैं? क्यों दुनिया की एक बड़ी आबादी इनसे चूक जाती है? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि खेल की भावना में कैसे रहा जाए। अगर आप इस मार्ग की खोजबीन खेल खेल में करना चाहते हैं, अगर आप खेल भाव में होना चाहते हैं, तो आपको एक प्यार भरा दिल, एक प्रसन्न मन और एक जीवंत शरीर चाहिए होगा, नहीं तो कोई लीला नहीं होगी। अगर इंसान को अपने जीवन के सबसे गहन आयाम की खोज खेल खेल में करनी है, तो उन्हें अपनी जागरूकता, अपनी कल्पना, अपनी याददाश्त, अपने जीवन, अपनी मृत्यु के साथ खेलने को तैयार रहना चाहिए। जब वो हर चीज के साथ खेलने को तैयार होंगे, सिर्फ तभी लीला होगी। किसी के साथ सिर्फ नाच लेना लीला नहीं है।
आप मृत्यु के साथ भी नाचने के लिए इच्छुक हैं, आप जीवन के साथ नाचने को इच्छुक हैं, आप अपने दुश्मन के साथ भी नाचने को इच्छुक हैं, आप उनके साथ भी नाचने को इच्छुक हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, आप अपनी मृत्यु के आखिरी पल में भी नाचने को इच्छुक हैं। सिर्फ तभी लीला होती है